नगर निगम की कौंसलरों का धरना आज छठे दिन भी जारी रहा। यहां मोगा नगर निगम को बने करीब 2 साल होने वाले हैं, लेकिन मोगा में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि पंजाब की सभी नगर निगमों से मोगा की नगर निगम के पास सबसे ज़्यादा पैसा पड़ा है, लेकिन मेयर और कौंसलरों की खींचातानी के कारण मोगा शहर के निवासी नरक की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। वहीं पिछले 2 दिनों की पड़ी बारिश के कारण मोगा के कई मोहल्लों में बरसात का पानी जमा हो गया है और शहरवासी बहुत परेशान हैं और वह नगर कौंसलरों को इसका दोषी मान रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। लेकिन 3 महीने नई सरकार के बनने के बाद भी मोगा के MLA हरजोत कमल भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोगा में विकास न होने के कारण मोगा के 50 कौंसलरों में से 26 कौंसल अकाली दल और 2 भाजपा से सम्मिलित हैं और मेयर साहब खुद भी अकाली नेता जोगिंदर पाल जैन के सुपुत्र हैं और वह ये भी नहीं बता रहे वह अकाली दल से हैं या कि कांग्रेस से। ये तो रही सियासत की बात, लेकिन विकास का मुद्दा कोई पार्टीबाजी नहीं है। फिर भी मोगा नगर निगम की ओर से कोई विकास नहीं करवाया जा रहा, जिसके लेकर पिछले 3 दिनों से मोगा के 26 कौंसलर धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने मांग की है अगर मेयर ने मोगा में विकास का कार्य शुरू नहीं किया तो वह अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक विकास का काम शुरू नहीं होता। वहीं जब इस बारे में मोगा के मेयर क्षितिज जैन से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि वह मोगा से बाहर हैं। करके लाया हैगा क्योंकि जेड़ा कारपोरेशन का जेड़ा एडमिनिस्ट्रेशन जेड़ा हैगा ते मोगे का जेड़ा मोगे का मौजूदा मेयर अक्सर जैन है उसके कन्ना ते कोई जू नहीं सरकरी लोका बेहाल हो चुके ने। शहर दी सड़कां टुटियां नहीं है, साड़ी कोई मंग नहीं, असी विकास के मुद्दे ते लैके बैठे अज असी बाहर इस करके बैठे हैं ताकि मोगा के लोगों नू ये पता लग सके कि थोड़े जेड़े नुमाइंदे ने वो अपनी पूरी आवाज़ अंदर उठा रहे हैं शहर के विकास वास्ते। अज साडे कोल 3 संस्थावां ने आके साडा समर्थन किया हैगा और असी उन्हां दा भी धन्नवाद करते हैं। साड़ी कोई मंग नहीं, असी तो यही गल कहने कि जेड़े कामां दे वर्क आर्डर कट्टे गए ने, जेड़े कामां नू ठेकेदारां ने अलाट हो गए ने, जेड़े काम अधूरे ठेकेदारां ने छड्ड दित्ते ने वो काम जल्दी तो जल्दी पूरे कराए जाण और पर मेयर दे बिल्कुल कोई कन्न ते जू नहीं सरकरीगी। और आप जी नू मैं ये भी दसना चाहुंदा कि जेड़े अर्बन मिशन दे जेड़े काम सी जेड़े अलाट हो चुके सीगे सरकार बनने तो बाद वो फंड वापस चले गए। साड़ी तो यही मंग है कि हाउस की मीटिंग सद के साडे डिवेलपमेंट के काम पास किए जाण, जेड़े रुके हुए काम है वो कराए जाण, अर्बन मिशन के जेड़े काम ने वो म्युनिसिपल फंड के विचों कराए जाण। और ये इन्नी शर्मनाक गल है कि अज शहर के जेड़े नुमाइंदे जेड़े 30 वार्डां के जेड़े कौंसलर ने साडियां भैणां विच आके बैठिया ने पर विकास वल कोई ध्यान नहीं। जेड़े हल्के का जेड़ा MLA है उन्हें भी आके साडे कोई हाल नहीं पुछया, साडी कोई सार नहीं लई कि तुसीं किस काम वास्ते बैठे हो। जेड़े कोई बंदे 1-2 टावे जेड़े है इन्हां 3 जना 13 च जेड़े 2-2 3-3 वारी MC दे इलैक्शन हार गए ने उन्हां नू विकास दे बारे कोई पता नहीं गा। वो आप दे आप नू बहुत वड्डी अजकल तोप समझते ने, उन्हां नू विकास नाल कोई प्यार नहीं गा। असी सारे धड़ेबाजी तो उठ के सारी पार्टी बाजी तो उठ के शहर के विकास वास्ते इकट्ठे होए हैं और असी विकास करने वास्ते इत्थे खड़े हैं। असी सारे जाने असी मेयर नू पुछना चाहुंदे हैं कि असी तैनू कित्थे असी सपोर्ट नहीं कीती विकास के कामों के वास्ते, पर वो विकास वालों का कोई ध्यान नहीं। वो आप दियाँ छुट्टियां बताने वास्ते पता नहीं कित्थे गया होया है। मैं आप जे मीडिया राही उन्हें बेनती करना चाहना है कि भाई साहब जे ते तो कम नहीं आता तो तू इस्तीफा दे, जे ते तो कम नहीं आता तो छड़ के पासे हो जा ताकि असी शहर का विकास कर सकीए और शहर के विकास करके ही असी लोगों का दिल जीत सकते हैं। MC कारपोरेशन दफ्तर गेट से धरना दिता है, पिछले 5 तो चल रहा है। साड़ी एक मंग है शहर का विकास, इस अलावा साडा कोई एजेंडा नहीं, कोई साडा कोई होर चीज़ नहीं। कारपोरेशन का हाल यह है, इंग्लिश कहते हैं लैफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग, कुछ नहीं पता उत्थे नेड़ करती मच्छी है ना, कोई अफसर किसी गल सुनता ना, उत्थे कोई जिहड़ा मेयर है कमजोर है तो नलायक है, उसके वस का काम नहीं एडी कारपोरेशन चलाना। वर्क आउट 2-2 साल के इशू हुए कम नहीं हुए, जो कम पास हुए वर्क आउट भी इशू नहीं हुए, होर तो होर मेयर के आपके वार्ड से एक कट नहीं लगी,
बाकी गल छो मेयर ने आपने वार्ड च केस नहीं लगे किसी का कोई एम सी का कोई मान सत्कार नहीं उसे गया कोई पुछता नहीं धरेबंदी बनाई हुई है दो चार बंदे मूहरे ला के वो सारा सिस्टम चलाई जाते हैं पर करप्शन का बोलबाला है असं सारे जोरदार तरीके मांग करते हैं कि इस चीज़ को रोकया जाए हाउस की मीटिंग बुलाई जाए अमीर कारपोरेशन होने के बावजूद शहर का विकास नहीं हो रहा उसको विकास कि लिया जाए कमिश्नर साहब की पोस्ट भी खाली है काफ़ी समय तो हाँ जी वो ये भी बड़ा बहाना मिलया वै कमिश्नर साहब है नहीं जी कमिश्नर साहब जो सी उदो कहना कुछ होया जी कुछ नहीं होया उदो कमिश्नर साहब कहते सुने भी ज्वाइन कर रहे हैं करके उन्होंने मिलेंगे उन्होंने बेनती करा पर कुछ नहीं होया जी अगर पिछले कमिश्नर मिले कोई कार्रवाई नहीं चाहते की असं ये चाहते हैं भी जेडे बंद पे काम चलन जे काम पास हो चलन लोगों को बेनीफिट मिले शहर का जरा विकास है नीति आए समस्या की असं यही कहने के राह बना दो जो असं राह कहने आप बना लें सानू कह तुम सरकारी अट किए पटोंगे सानू इस राह पर बहुत दिक्कत आ रही पानी सानू गंदे पानी से लंघना पैंदा साडे बीमारियां बहुत लगियां ने बच्चों इस करके सानू यही है साडा राह बनना चाहिए साडा राह उच्चा करो जी यही प्रॉब्लम है साडी पानी बेच देख लो असीं हुण सामने किवें लंघी जांदे खड़े विच पानी दे वैसे ही है साडा राह बन हरपाल सिंह दिव्य पंजाब टीवी मोगा।